हेलो गाइस, इस वीडियो में आज देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। यदि गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो सो गाइस, देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट को हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट। सो गाइस चलते हैं इसके कोड को। कोड को देखने से पहले इसके सिंटेक्स को देखते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। इफ लिखेंगे, इफ के अंदर कंडीशन देते हैं और कंडीशन चेक होगा, यदि ट्रू होता तो कोड आप ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सो गाइस चलते हैं इसके कोड को देखते हैं कि कैसे कोड को लिखा जाएगा। ये तो सिंटेक्स था सिंपल इफ स्टेटमेंट का। तो सो गाइस इसके कोड पे हम चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं। पहले लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम देंगे इफ, इसे सेव करते हैं। ई ड्राइव के अंदर हम इसे सेव करेंगे जावा नाम के फोल्डर में। फाइल का नाम देंगे स्टेटमेंट डॉट जावा, इसे सेव करते हैं। ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइल्ड मेन, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज के अंदर लिखेंगे कंडीशन को। इफ कंडीशन देंगे 5 is less than 6, क्या 6 5 से बड़ा है। यदि कंडीशन सही रहेगा तो कोड अब ब्लॉक रन होगा। लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इस पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर मैसेज को प्रिंट कराएंगे गुड जॉब। यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो इसके बाहर आएगा और एक मैसेज प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रोग्राम क्या होगा, इसमें मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, प्रोग्राम प्रोग्राम इंड। इस इफ कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू रहेगा तो इसे प्रिंट करेगा और इसे बाहर आएगा और इस मैसेज को प्रिंट करेगा प्रोग्राम एंड। सो गाइस इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। पहले ई ड्राइव के अंदर जाएंगे जहां पे हम फाइल को सेव किए रहेंगे, सीडी लिखेंगे और फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में फाइल को सेव किए रहेंगे, जावा नाम का फोल्डर है। फाइल को कंपाइल कराने के लिए लिखेंगे जावा सी, फाइल का नाम देंगे स्टेटमेंट डॉट जावा। तो ऐसे यहाँ पे फाइल कंपाइल हो चुका है और इसे रन करने के लिए लिखेंगे जावा, क्लास का नाम देंगे इफ। सो गाइस यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया है लेकिन एक रो में प्रिंट हुआ है इस गुड जॉब, क्योंकि कंडीशन सही था तो गुड जॉब प्रिंट हुआ है और इसके कोड के बाहर निकलने पर प्रोग्राम एंड हुआ है तो एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। लाइन को ब्रेक करने के लिए कोड में लिखेंगे एलियन, एलियन लिखने से लाइन ब्रेक हो जाएगा। सो इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। फाइल को कंपाइल कराएंगे और इसे रन करेंगे। सो ऐसे यहाँ पे अभी कोड रन नहीं हुआ है, फिर से देखते हैं। ये सेव करते हैं और इसे कंपाइल कराते हैं। तो सो गाइस यहाँ पे कोड रन हो चुका है, कंडीशन सही था तो गुड जॉब प्रिंट हुआ है और प्रोग्राम को एंड किया है। तो सो गाइस ये तो था बेसिक कंसेप्ट इसका कि पहले से डिफाइन किया जाएगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर खुद से डिफाइन करेगा इसको, कमेंट करते हैं और कोड को लिखते हैं।
इंपोर्ट कराएंगे पहले, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम देंगे इप, ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेसेस के अंदर देंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, सेमीकॉलन लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, एक मैसेज पहले प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सेमीकॉलन लगाएंगे और डबल कोट के अंदर लिखेंगे इंटर द नंबर ए और इसे वेरिएबल में सेव करेंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे दूसरे नंबर के लिए इंटर द नंबर बी, बी दूसरे नंबर को प्रिंट कराएंगे और एक इंटीजर नाम के वेरिएबल में इसे सेव करेंगे, कंडीशन देंगे इफ इज इक्वल टू ए इज लेस देन बी, यदि कंडीशन ट्रू होगा तो कोड रन होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन, एलियन लिखते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, इसमें मैसेज प्रिंट कराएंगे गुड जॉब, यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो गुड जॉब प्रिंट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक मैसेज प्रिंट करेगा प्रोग्राम इंड, यदि कोड सही रहेगा तो भी एक गुड जॉब प्रिंट होगा, गुड जॉब के साथ साथ इंड प्रोग्राम इंड भी प्रिंट होगा, यदि गुड जॉब नहीं प्रिंट होता तब भी प्रोग्राम इंड प्रिंट करेगा, तो गाइस इसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, फाइल को कंपाइल कराते हैं, फाइल कंपाइल हो गया, फाइल को सेव रन करते हैं, सो गाइस इंटर द नंबर ए, पहला नंबर देते हैं 20 और दूसरा नंबर देते हैं 10, सो गाइस यहां पे हमारा कंडीशन गलत था तो यहां पर प्रोग्राम इंट लिखा है, यदि कंडीशन ट्रू होता है पहला नंबर देते हैं 5, दूसरा नंबर देते हैं 10, सो गाइस यहां पर कंडीशन ट्रू हुआ, लिखा गुड जॉब यहां पर प्रिंट हुआ है और प्रोग्राम इंट हुआ है, तो सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।